Ali यहाँ आओ। ये लो पैसे, पकड़ो इन्हें और तुम्हें जो कुछ भी खाना है जाकर ले लो, जाओ। हाँ तो क्या कहा नैना ने? अब क्या कह सकती है, सुबह उसने तुम्हारे गले में स्कार्फ देखा तो वो समझ गई थी कि उसका है। अगर कह देती कि सिनान ने मेरे लिए भी ऐसा ही खरीदा था। मैंने उससे ऐसे ही कुछ कहा है, तुम परेशान मत हो, वो तो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर जल ही गई थी, क्या बताओ तुम्हें। सिनान आ रहा है। अरे सिनान, कैसे हो तुम? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग तो सुबह से शॉपिंग पर निकले हुए थे और अम्मी अपना चार्जर घड़ी भूल गई थी तो उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो। सीमा, वो मैं आज पुलिस स्टेशन गया था, तुम्हारे भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर है तो मुझे दो ताकि इस मामले को यहीं खत्म करें। जरूर, ठीक है। बाबा हा? मुझे फ्रूट जूस पीना है मगर वो तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। ओके मेरे बेटे, चलो चल कर देखते हैं। महक, अब क्या करेंगे हम? फिक्र नहीं करो, कुछ कर लेंगे। सिनान भी बिल्कुल पागल है, बिना तुमसे बात किए पुलिस स्टेशन चले गया। एलिफ, क्या सिनान आज रात पार्टी में जा रहा है? हाँ, उसने कहा था कि कोशिश करूंगा लेकिन लगता नहीं कि वो आएगा। तुमने उसे बताया कि प्रोफेसर आकिफ भी वहाँ होंगे? नहीं, ये बताना भूल गई थी। ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम उससे दोबारा फोन करो और उसे ये बताओ कि प्रोफेसर आकिफ भी वहाँ होंगे और उसका वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। समझ गई? खैरियत तो है तन्वीर? कुछ नहीं, मैं बस पुराने दोस्तों को सरप्राइज देना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। ज़ैनब, सच में मैं पागल हो जाऊंगी, ये सब नहीं देखा जा रहा मुझसे। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, मुझे यहाँ से रिजाइन देके चले जाना चाहिए और यही अच्छा होगा मेरे लिए। तुम क्यों जाओगी नैना, जाना तो उसे चाहिए। ज़ैनब, तुमने उसे देखा नहीं था क्या, जब दिल चाहे मुंह उठाकर हॉस्पिटल चली आती है। और हाँ, कपड़े तो ऐसे पहनती है जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी शादी की तकरीब में जा रही हो। यार नैना, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या मसला है लेकिन तुम परेशान मत हो प्लीज। ज़ैनब, आज रात मेरे ही साथ रुक जाओ तुम, मुझे डर है कि मेरे सबर का पैमाना कहीं लबरेज ना हो जाए और मैं उनके दरवाजे पे जाकर कोई तमाशा ना कर दूं। यार आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, वो दरअसल मेरी एक दोस्त के यहाँ बेबी हुआ है, मुझे उसे देखने जाना है। कौन सी दोस्त? तुम उसे नहीं जानती यार नैना, वो मेरी एक बहुत दूर की दोस्त है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है बोलो। मैं बाद में आ जाऊंगी। नैना देखो, मुझे सीमा और अली का ख्याल रखना होगा क्योंकि उसका भाई उन दोनों पर तशद्दुद करता है। ये मुझे क्यों बता रहे हो तुम? क्योंकि मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ एक और बात, अगर उसी के बारे में बात करनी है तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना, समझे? तन्वीर से जितना दूर रहोगी उतना बेहतर होगा। सिर्फ यही बात है, कुछ और भी कहना है? नैना मैं बहुत सीरियस हूँ। डॉक्टर तन्वीर यहाँ काम करते हैं और मैं भी यहाँ काम करती हूँ, तो इसलिए आप मुझे उनके साथ काम करने से रोक नहीं सकते। और मुझे तो लगता है कि डॉक्टर तन्वीर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। नैना देखो, तुम उसे इतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अब जान जाऊंगी उन्हें क्योंकि मेरा जो थीसिस है उनके साथ ही पूरा करूंगी अब। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। लेकिन अब मुमकिन नहीं, मैंने इरादा बदल दिया है अपना, अब मैं अपना थीसिस डॉक्टर तन्वीर के साथ ही मुकम्मल करूंगी, समझे आप? नैना, नैना। हाँ एलिफ, सच में क्या डॉक्टर आकिफ सच में आ रहे हैं? ओके